वो सुनी सी आंखें खोज रही थी उस प्यार को कहीं, जो बचपन में दिया था उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को। वो तरसते कान खोज रही थी उन शब्दों को कहीं, जो सिखाए थे बचपन में उन्होंने अपने होंठों से कभी। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, अपने तो नहीं पर अपनों की बात होती है। एक छत के नीचे बैठकर सब अनजाने हंसते हैं तो कभी अश्क भरी आंखों में अपनों की याद होती है। पटना के बेली रोड स्थित वेद नगर में एक वृद्धा आश्रम है सहारा, जहां बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उनकी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। यह वो जगह है जहां एक छत के नीचे वे लोग रहते हैं जिन्हें अपना घर किसी न किसी वजह से छोड़ना पड़ा। एक जगह एक उम्र के लोग रहकर उस इमारत को घर बनाते हैं, जहां प्रेम और निष्ठा भाव से सेवा करने को सहायक होते हैं। चाहे बात खिलाने की हो, कपड़े पहनाने की हो, या हो उनकी छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखने की, सबके दिलों में सेवा का भाव है। यहाँ अनजाने भी अपने बन जाते हैं और अपने पराए होते चले जाते हैं। यहाँ सबकी अलग ही कहानी है जो खुद में ही बहुत खास है। जहाँ जिंदगी सुकून से चल रही थी, वहाँ ऐसा क्या मोड़ आया कि मंजिल वृद्धा आश्रम हो गई। यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। इन सब में एक आंखें ऐसी थी जिन्हें इंतजार था अब भी किसी का। नहीं जानते। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। बेटा या बेटी? लड़का। वो आपको छोड़ के गए हैं? वो आपको यहाँ छोड़ के गए हैं? क्या? आपको यहाँ कौन छोड़ के गया है? बेटा छोड़ गया। आप कब से यहाँ पे? 6 महीने। यहाँ खुश रहने की वजह ढूंढना और एक दूसरे का मनोरंजन करना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। आसान नहीं है अपना गम भुला दूसरों का मनोरंजन करना। यही वजह है कि इनकी गीत में भी दर्द लगता है। जिन हाथों को मेरा हाथ पकड़ना था उसने ही साथ छोड़ दिया। उंगली पकड़कर जिसे चलना सिखाया उसने ही राह मोड़ लिया। ये नम आंखें